जैतूसाव मठ पुरानी बस्ती रायपुर में भगवान कृष्ण जी के अवतरण दिवस, जिसको जन्मदिन के लोग बोलचाल के भाषा में बोलते हैं, यहाँ 7 तारीख को रात्रि 12 बजे उनका जन्म उत्सव होगा, आरती होगी। उसमें भगवान को पंचगव्य से, पंचामृत से, दूध दही घी शक्कर से स्नान कराया जाएगा, नए वस्त्र आभूषण धारण उनको कराया जाएगा। और उस दिन पंचामृत और पंजरी का भोग लगेगा और फलाहार का भोग लगेगा रात्रि में। दूसरे दिन 11 क्विंटल का माल पर जो आज 5 तारीख से बनना शुरू हुए हैं, जिसमें 11 लोग यहाँ पे कारीगर लगे हुए हैं, 8 तारीख को 12 बजे मालपुआ का भोग लगेगा, महाप्रसाद के साथ और भी जो व्यंजन बनेंगे पकवान उसके भोग लगेगा, और उसके बाद भंडारा होगा। शाम को 5 बजे जो भी दर्शनार्थी यहाँ पे आएंगे उनको प्रसाद के रूप में मालपुआ दिया जाएगा। अच्छा, मालपुआ कैसे बनता है, क्या चीज़ बनाई मिलाएगा? मालपुआ हम लोग गेहूँ को पहले धुलवाते हैं, उसके बाद उसकी पिसाई कराते हैं थोड़ा सा दरदरा, और जब आटे को घोलते हैं तो उसमें शक्कर, दूध, काली मिर्च, सौंफ, इलायची, बादाम वगैरह उसमें डालते हैं, उसको खूब फेंटना पड़ता है, 1-1.5 घंटे तक उसकी फिटाई होती है एक छोटी सी गंज का। उसके बाद जब फेंटने के बाद होता है, फिर वहाँ से फिर कढ़ाई में डाल के उसको बनाते हैं, वहाँ से उसको निकाल के आयल को सुखाते हैं, सुखाने के बाद पैरम उसको ला के अलग अलग करके सुखाते हैं, वो सूखने के बाद उसकी फिर थप्पी लेके दूसरा पैरा जहाँ बिछा रहता है वहाँ पे उसको थप्पी के रूप में करते हैं।